पीएम मोदी का लक्ष्य अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने का है। पीएम मोदी ने साल 2018 में स्विट्जरलैंड के दावोस में सबसे पहले अपने इस लक्ष्य का ऐलान किया था। अपने पहले बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही बात दोहराई, लेकिन अगले 5 साल में भारत इससे भी तेज गति से विकास करने जा रहा है। एक्सपर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का अब सकारात्मक असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो रफ्तार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए चाहिए, भारत उससे तेज गति से विकास कर रहा है और 11-12% प्रति वर्ष के बीच पर भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन का टारगेट हासिल कर लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगर 11% जीडीपी की सालाना विकास दर से आगे बढ़ता है तो 2024-25 में भारतीय इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं अगर भारत 11.25% प्रति वर्ष की विकास दर से आगे बढ़ता है तो 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था $5.15 ट्रिलियन की हो जाएगी। अगर भारत 11.5% सालाना की दर से आगे बढ़ता है तो $5.22 ट्रिलियन और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 12% रहती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था $5.36 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था इन तमाम आंकड़ों के साथ दौड़ने में सक्षम है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब भारत ब्रिटेन और जर्मनी को पछाड़ दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति कहलाएगा।